चला जा। ओह, ये सुग्रीव उस कायर की आवाज है। युद्ध। सुग्रीव, 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 कायर हो बड़ी। कायर सुग्रीव, तू नहीं, तू नहीं, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच कर लाई है। अरे आप तो युद्ध तो भीम में होता है, कायरों में युद्ध नहीं, तुझसे तो थोड़ी बार भीत हो गया। अरे यह तो युद्ध के बाद ही मालूम चलेगा बाली, कि कौन कायर और कौन वीर है। कायर बाली भेड़िए युद्ध नहीं करने कायर। अरे बाली युद्ध कर युद्ध, भेड़ियों से युद्ध, भेड़ियों से युद्ध की इच्छा। अरे बाली मुझसे युद्ध कर, मुझे सिंह दिखेगा। बहुत अधिक से अधिक भयभीत रहता हूँ,
पहले आपको भी मालूम है कि मैं ऋषिमुख पर्वत पर कैसे जान छुपा कर रहता था। भगवान अब की बार में कोई भी ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जो हमारे अंदर जो भय रहता नहीं वही तो हमारे हार का कारण बनता है, इसलिए भय त्याग कर जाओ और मुझ पर विश्वास करो। जैसी आपकी प्रभु। अरे ओ बाली 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 महारानी तारा बाली, ये फिर कायर मुझे उस कायर सुग्रीव की आवाज सुनाई देती। बाली तारा, उस बार तो ये भाग कर बच गया था, परंतु इस बार मैं जाऊंगा तो इसे यम लोक जरूर पहुंचाऊंगा। बाली अरे वो हे स्वामी, अरे इस समय करने जाओ और दिल मेरा बहुत जाओ
दूरदर्शी बात है तो सुनो तारा सब। अगर तुमने कहा है भीड़ प्रिय, इधर आइए तारा, मैं तुम्हें है भीड़ प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तुमने कहा कि उनके साथ जगत को पान करने वाले साक्षात नारायण उनसे मित्रता कर चुके हैं, तो सुन है भीड़ प्रिय कदाचित मोही मारे। अगर ऐसा हुआ कि वो समदर्शी रघुनाथ है तो है भीड़ प्रिय सुन समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित मोही मारे तो पुनि हो ये सनाथ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हमारे कुल के लिए बड़ी ही उपकार की बात होगी। तारा तुम पहलों में आराम करो, मैं उस दुष्ट कायर सुग्रीव को अभी निपटा कर आता हूँ। तारा आराम करो। अरे ओ बाली Mm-hmm.